फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद आरती। और आज मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। और अभी 5 बजने वाले हैं और मैं चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा छोटा सा व्लॉग कर दूँ। और सबको आज है हैप्पी इगास। जितने भी गढ़वाली हैं और पहाड़ी हैं उत्तराखंड के, उनको पता होगा पहाड़ी गढ़वालियों को कि आज इगास होती है। और दिवाली के 11 दिन बाद आती है एकादशी, इसे देव उठने एकादशी भी कहते हैं। आज तुलसी विवाह भी होता है, तुलसी का विवाह भी करवाते हैं। तो आज है इगास, तो ये दिवाली की तरह मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, लड़ियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरी पकौड़ी बनाते हैं। तो हम भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं चाय बनाऊँ, उसके बाद थोड़ा बहुत पकौड़ी वकौड़ी बनाऊँगे, दिए भी जलाएँगे। चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद, मतलब समझ लो दिवाली के बाद अब यही त्यौहार है, क्योंकि इसके बाद तो कोई त्यौहार नहीं पड़ेगा। देखिए आज बनाई थी दिन में दाल मखनी, और इन्होंने बनाई थी और इतनी टेस्टी लगी कि हम आज बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अगर देखूँगी अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकती, ये दिन के टाइम की थी तो मैंने वीडियो बना तो रखा है, अगर शेयर करूँगी तो मैं आगे आपके साथ शेयर कर लूँगी। बीच में नमक, गढ़वाली नमक, गढ़वाली लोग जिसे खाते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। और देखो थोड़ा थोड़ा ख़त्म भी होने लगा है, ये मैं ही हम लोग खा रहे हैं। चाय उबल रही है, इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, और ज़्यादा खिटी मुझे कोई ख़ास भी नहीं लगती, इतना हो गया अदरक का स्वाद आ जाए। और आज भी धूप नहीं निकली, गजब है, कल भी नहीं निकली, कल थोड़ा बहुत किरणें निकल गई थी धूप की, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं, धूप की किरण तक नज़र नहीं आ। बस अब हम चाय पियेंगे और उसके बाद हाथ में धो के बस पूजा वूजा करूँगी मैं, और तब दिए विए जो भी जलाने वो जलाऊँगी। और इस बीच जब तक मैं पूजा कर रही हूँ, तब तक आपके साथ दिन में जो मैंने हमने दाल मखनी बनाई थी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए दाल को हमने एक दिन पहले रात को ही ना उड़द और राजमा को बराबर मात्रा में लिया था, दोनों को भिगो के रख दिया था और सुबह के टाइम उबाल दिया था। चावल मेरे रेडी हो चुके थे, मैंने बना दिए थे, और दाल को भी उबाल दिया था। और दाल को उबालते वक्त ही उसमें काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दी थी, तो बाद में साबुत मसाले का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर वैसे तो दाल मखनी मक्खन में बनती है, लेकिन यहाँ पर मैंने घी और तेल दोनों का इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि मक्खन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। लेकिन सही बताऊँ बिना मक्खन के भी वो बहुत स्वाद वाली बनी थी। और यहाँ ध्रुव ऊपर बैठ के इतनी मस्ती कर रहा था, काम नहीं करने दे रहा था, और फिर पापा ने बनाई थी, कहते आज मैं बनाऊँगा, तो मैंने बचपन नहीं बना लो, तो मैंने उबाल वाल तो दी थी, तो सिर्फ छोकरा रह गया था। तो लेकिन बात करते करते सच में 10 मिनट में दाल मखनी तैयार हो गई थी, और इतनी अच्छी बनी थी, और उसमें से इतनी सी बची जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो यहाँ पर तेल और घी, कोई भी तेल ले सकते हैं, और घी ले लिया था थोड़ा सा हमने, और इसमें लहसुन अदरक पहले डाला है, काट के डाला हुआ है, और 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है। हरी मिर्च इसलिए डालते हैं कि ध्रुव को फिर अलग से पता लग जाए, और ध्रुव के मुँह में ना आए बारीक बारीक, तो बिल्कुल नहीं खाता। और बस यहाँ बातें चल रही हैं साथ में, और इसे मैंने स्पीड में कर दिया है। और यहाँ पर ये बोल रहे थे इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन इनका जल ही गया था, क्योंकि ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए। और इसके बाद टमाटर डाल दिया था, टमाटर उतना ही डालेंगे हमारे जितना आपका है, ये बड़ा टमाटर डाल रखा था एक वैसे। तो सबसे पहले तेल और घी डालेंगे, और जैसा आप चाहें, अगर मक्खन है तो मक्खन डाल सकते हैं, मक्खन अभी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए कौन जाता, सुबह काफ़ी ठंड हो रही थी, धूप निकली थी जैसे मैंने बताया। तो बस यहाँ पर लहसुन अदरक डाला है, उसके बाद हरी मिर्च डाली है, उसके बाद प्याज डाला है, उसके बाद टमाटर डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालना, थोड़ा गरम मसाला डालना, हल्दी भी डाली है, हल्दी, गरम मसाला, धनिया डालना, धनिया नहीं, अब नहीं डालना किसी को, तो धनिया स्किप कर दिया, डालना ही नहीं है, खड़ा मसाला डाल दिया। तो बोलते हैं यहाँ, मैं यही पूछ रही थी इनसे कि खड़े मसाले मैं भूल गई, मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि तुमने खड़े मसाले नहीं डाले, तो ये बोल रहे थे अरे खड़े मसाले उसमें उबालते हुए डाल देते, इतना बहुत होता तब फ्लेवर आ जाता है, तो मतलब जो उबाली थी ना दाल को, तभी उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते, जैसे मैंने बताया बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च वगैरह डाल दी थी। तो यही मैं उनसे बात करती कि अरे डाले नहीं इसमें, मैं भूल गई वीडियो बनाते बनाते, वो यही बता रहे थे स्टार्टिंग में डाल दिया।
अब बस इतने में ये भुन गया था मसाला। और फिर उससे पहले ये जो दाल थी ना उसको थोड़ा गुन, जब ये बिल्कुल ठंडी नहीं करना, उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा सा ना इसको मैशर से कर लो, या इस करछी से, ये जो गोल करछी होती है जिससे थोड़ा थोड़ा उसको मैश कर लें, जिससे दाल अलग ना हो पानी में, पानी और दाल अलग ना हो। और इतने बस 5 मिनट मुझे लगता है इसको, 2-3 मिनट में मसाला हुआ और 5 मिनट इसको ऐसे छड़कने दिया दाल को, उसके बाद इन्होंने घी डाल दिया था। बस घी ऊपर से डालता है, स्टार्टिंग में भी आप ऑयल से बनाना चाहते हैं ऑयल से बना सकते हैं, और मक्खन है तो मक्खन से बना दीजिए, लेकिन बिना मक्खन के भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो बस थोड़ा सा घी डाल दिया था और ये हमारी दाल मखनी रेडी हो गई थी। और यहाँ मस्ती चालू है, उसके बाद हमने गैस बंद कर दी थी, और उसके ऊपर से या तो आप मलाई डाल सकते हैं, ताज़ी मलाई, या फिर क्रीम डाल सकते हैं। तो मेरे पास ताज़ी मलाई थी तो मैंने डाल दी थी, और बहुत अच्छी बनी थी, देखने में भी जितनी अच्छी लग रही ना उतना खाने में बहुत अच्छी बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और उधर मेरी पूजा हो गई थी पूरी, उसके बाद दिए जलाने थे, ये तो 5, 7, 9, 11 जितना भी जलाना चाहिए, तो मैंने यहाँ 7 दिए जला दिए थे। और बस इन्हें जलाने के बाद एक दिया तो यहीं पर रख दिया था भगवान जी के सामने, और एक तुलसी में थोड़ा तिल टीका विका करके तुलसी जी में चढ़ा दिया, रख दिया था। बाकी मुझे तुलसी विवाह वगैरह में मुझे इतना पता नहीं है, और होगा अगली बार तो मैं देखूंगी, लेकिन ये अभी मुझे पता नहीं था इतना। तो अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ दिए, अपने रूम के आगे दिए लग दिए मैंने, और बाकी जगह मैं बाद में इधर कैंडल वैंडल लगा दूँगी। इधर आज लड़ियाँ वड़ियाँ जला दी थी, क्योंकि एकादशी पर लड़ियाँ रहती हैं, और अब निकालेंगे। और आज तो पटाखे वटाखे खूब जल रहे थे, लोग पटाखे वटाखे भी खूब जला रहे थे। और बस ये सब काम करने के बाद ये भी जला दी थी, तो कुछ पूरी पकौड़ी बनानी थी, तो पूरी तो नहीं बना रही थी, मैंने 2 आलू काटे थे पकौड़ी के में, मैंने कहा कुछ तो बनाना ही है। तो बस यहाँ पर मैं आलू काट रही हूँ और बेसन घोल रही हूँ, नमक हल्दी डालूंगी मैं, मिर्च डालूंगी, ध्रुव को खाए गए नहीं इस चक्कर में, और ना मैंने हरी मिर्च डाली, उसे सिंपल से अच्छी लगती है और उसे ऐसी ही पसंद आती भी है। और यहाँ देखो तब तक वो रोने लगा कि मुझे जाना है, पापा एक्चुअली वो दूध देने जा रहे थे यहीं बगल में, तो मुझे कह रहा दादी के घर जाना है, तो रोने लगा, तो मैंने कहा इसे रो रहा है इसे बड़े भेज दो, एक्चुअली ठंड थी तो फिर कौन आता जाता बार बार, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, कहाँ बच्चों पे क्या ठंड क्या गर्मी क्या बरसात। बस मैंने ये 2 आलू काटे थे, इतने में मैं इनको बना दूँगी और थोड़ा सा भगवान जी में चढ़ा दूँगी, और उसके बाद बनाएंगे रात का खाना। तो बस ये मैं बना रही हूँ। गाइस एक बार फिर आप सबको छोटी दिवाली बोलते हैं, छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और अभी जितने भी गढ़वाली होंगे उन सबको तो पता ही है, अभी तो अधिकतर लोगों ने लड़ियाँ भी नहीं, मैंने भी नहीं निकाली बाहर की लड़ी, इगास तक तो रहते ही है, इगास दिवाली के 11वें दिन होती है, इसलिए इगास उसे देव उठने का दर्शन कहते हैं, इसमें देवता उठते हैं, विष्णु भगवान उठते हैं। और आज ही के दिन तुलसी जी से विष्णु भगवान के जो अवतार शालिग्राम के अवतार हैं उनसे विवाह हुआ था, तो इसलिए ही काफ़ी सारे लोग आज तुलसी विवाह भी करते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, तो उसमें मैंने किया नहीं, मम्मी मेरे मायके में मम्मी और निकड़ा है निकली भेजी थी, तो वही चुन्नी चुंगी वगैरह सब चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं है तो मैंने तो नहीं करा। और वैसे भी ज़्यादातर बोलते हैं
जिनकी से लड़कियाँ नहीं होती, कन्या नहीं होती, तो कन्यादान का पुण्य मिलता है उन लोगों को जो आज के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं शालिग्राम से विष्णु भगवान से। और साथ साथ ये भी कहते हैं जिनकी शादियाँ जैसे नहीं अभी नहीं हुई है, मतलब शादी जल्दी हो, इसलिए भी तुलसी जी का विवाह मतलब कराना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और सबकी जल्दी जल्दी शादियाँ हो। और इस टाइम अब मैंने जितना मुझे पता था मैंने दिया जला दिया है और थोड़ा बहुत दिया जला दिया है बाहर, और जितना मुझे पता था, और पूरी पकौड़ी बना दी है, ये मैंने पकौड़ी बना दी है और भगवान जी में भी चढ़ा दी है मैंने। और मैंने प्याज की सिर्फ आलू की पकौड़ी बनाई है, क्योंकि प्याज की तो भगवान जी में मैं नहीं चढ़ाऊँगी प्याज की, तो इसलिए मैंने सिर्फ आलू की बनाई है पकौड़ी, और आप लोग भी खाइए। तो इसलिए अभी मैंने ये बाहर आपको दिख रही है लड़ियाँ हो रही हैं, ये मतलब ये था जो थोड़ा बहुत फूल वूल डेकोरेशन, वो भी मैंने अभी नहीं निकाला है, बाहर लड़ियाँ थी वो भी मैंने अभी नहीं निकाला है। तो अभी इगास के बाद ही मतलब लोग लड़ियाँ निकालते हैं, लेकिन एक दो लड़ियाँ रहने देते हैं गढ़वाली स्पेशली रहने देते हैं, और क्योंकि इगास के बाद ही फिर निकालेंगे लड़ियाँ, तो मैंने भी बाहर की लड़ियाँ जलाई हैं। ये था छोटा सा ब्लॉग, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए जिससे कि मेरे हर वीडियो का पता आपको लग जाए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और ऐसी वीडियो के साथ मैं जब आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।